बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम साडी दुआ साडे भैन भी अल्लाह तआला खुश रखे शादो आबाद रखे। इसे दुआ कर दें अज की वीडियो शुरू। अज जुमेरात का दिन है जी और असी जा रहे हैं फैसलाबाद और फैसलाबाद जा रहे हुए हैं जी। ये जा रहे हुए हैं जी जजो अख्तर के बेटे का चैकअप है क्योंकि 10 दिन बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि 10 दिन बाद चैक करवा के जाना जी। दिमाग के नाली पा के मसाने का कढ़ी है जी और दिमाग का जो पानी है वह निकल रहा या नहीं निकल रहा है जी वो चैक करवा के आना। और यदा चाचू अख्तर के बेटे का माशाला जी पहले भी आप ही बुशरा अहमद और उन्होंने बेटी और उन्होंने फ्रेंड आसिया भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्हों का जो ऑपरेशन ना जी बहुत ज़्यादा उन्होंने हेल्प की है जी चाचू अख्तर की। और अब फिर उन्होंने तरफों ही जा रहे हैं चैकअप वास्ते जी। अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे अपने घर में खुश रहन आबाद रहन इस तरह मुस्तक अफराद की खिदमत करते रहन। और जा रहे हुए हैं जी फैसलाबाद। सुबह फजर दिन अजान हो चुकी है और नमाज पढ़ी है जी। नमाज पढ़ के नाश्ता किया। नाश्ता करने तो बाद अल्लाह खैर करे हम निकल रहे हैं जी। हाँ जी ठीक है जी दियो करिए अस करिए सब घड़ी बन के जानी है। चलो जी मैं ठीक है जी बन गए घड़ी बन गए ठीक है। हरम का नाप हरम का नाप है जी उसे देख के आना फैसलाबाद। चलो जी ठीक हो गया ओके अल्लाह हाफिज़। सुबह फजर का टाइम है जी और लाइटा असिया ने सारिया बाल ली हैं ठीक है। जाओ तुम अंदर ला लो दरवाज़ा बस गड्डी आ ही रही है गड्डी का इंतजार कर रहे हैं। दिन तो चढ़ गया तो सब हमने जमात हो जानी है। 4 बजे का टाइम से तक 4:30 हो चुके हैं जी। नहीं नमाज तो बाद दर्श देना हजे तो फिर नाथ पढ़ रहे हो। अच्छा जी माशाल्लाह पहुंच चुके हैं असी शोरकोट कैंट और शोरकोट कैंट थोड़ा नाल ही रह गया जिसमें मतलब शोरकोट ही पहुंच गए हैं जी। और नाश्ते का टाइम हो चुके है सुबह तकरीबन 7:30 हो चुके हैं जी और 7:30 बजे असी शोरकोट पहुंचे हैं जी। इस टाइम शोरकोट का एरिया 7:30 बजे जी अस शोरकोट पहुंचे हैं। बच्चा नाल ही है जो अख्तर दे जी बेटे कर दे नाश्ता आप भी कर दें जी। ड्राइवर भाई नाल और ना जुबैर भाई आए तो चौखर नाल ही है जी। इन्होंने नाश्ता करवाने नाश्ता करके फिर अलग करके निकलते हैं। और साड़ा जो खाना वा खाना साड़ा फैसलाबाद ही अगे जाके असी खाना खाना जी। और बाकी चलते ही अंदर ढाबा है तकरीबन ड्राइवर जो चाय इसे होटल से पीते आने के जी और असी भी इसे होटल से आने के चाह पीने चाह पी के फिर अलग करके निकलते हैं। अच्छा जी बच्चे डॉक्टर साहब को चैकअप करवा लिया जी। माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने तसली दी है और बच्चा माशाल्लाह अलहमदुलिल्लाह ठीक है जी। ऑपरेशन भी ठीक है और जख्म भी ठीक है। हर किस्म की डॉक्टर साहब ने इजाज़त दे दी है। बच्चा चल फिर भी सकता खा पी भी सकता और जो जो डॉक्टर ने दसिया कि उन्होंने जिंदगी बच्चे वास्ते अगर चल के घर चल के अपने भैन भीन शेयर करेंगे। फिलहाल हॉस्पिटल जो जा रहे हैं जी हॉस्पिटल इन्ना रश है मैं कहता बहुत ज़्यादा रश है जी। लेकिन सानू अलहमदुल्ला आने टाइम मिल गया टाइम मिले तो साढ़ा आंदे ही बच्चे असी डॉक्टर साहब न चैक करवा रहे और बाकी चलते चल के जो भी इंतजाम होया। अच्छा जी बच्चे चैकअप करवा के डॉक्टर साहब को पहुँच गया है इधर चाचू होने खाना साढ़ा तैयार हो चुका जी। खाने खाना खाना खा के फिर अल खैर करे तो निकलते हैं। हाँ जी इमरान भाई आओ खाना खाओ तो निकली जाओ फटाफट ठीक हो गया। अच्छा जी इस टाइम अभी फैसलाबाद जा रहे हैं जी। यह वाला और रोड है जी इस रोड के उपर कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी फैसलाबाद में कि बच्चे की गर्दन एक भाई की गर्दन से चोर पी सी। अगला एरिया से जो अगे है इस जगह से अच्छा जी पहुंच चुके इस टाइम असि शोरकोट और मोटरवे तो नीचे उतरते हुए नाल ही साढ़े होटल है। ड्राइवर अगर आप जिन्हें भी है तकरीबन इस होटल तो आने की चाय पी है जी। जिस टाइम जाना हो
किसी दूसरी जगह पर मोटर वे कड़न तो पहले भी चाहे इस होटल तो पीएँ और जो उधर वापसी आते हो तो वापस आ के फिर भी इस होटल में चाहे पीएँ। सुबह इस होटल से नाश्ता किया जी और इस होटल से चाहे पीन लगे जी मसर का टाइम हो चुका साढ़े घर और बैठे इतने जी अपने भैन भी शेयर करते हैं कि अज मेरे नाल आने का मकसद यही सगा कि मैं डॉक्टर साहब ने इस बच्चे की सारी हकीकत जी ना पूछनी सी और हकीकत पूछी है जी डॉक्टर साहब को उन्होंने दसिया कि माशाल्लाह ऑपरेशन यदा बच्चे का बिल्कुल ठीक ठाक है और जख्म भर भी चुके टांके लगे जख्म के ऑपरेशन के वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। कोई परेशानी वाली गल नहीं हैगी। खान पीन का भी पूछा डॉक्टर साहब को उन्होंने कहा भी खाओ पियो जो मर्जी खाए पियो कोई टेंशन नहीं हैगी। दवाइया कुछ है खाने वाली उन्होंने चेंज कर दतिया वो दवाइया चल के इन्हों अपने फतेहपुर साइड मिल जाएगी और दवाइया उतने इन्होंने लै देना जो चेंज की दवाइया फतेहपुर तो मिल जाएगी सारे शहर और दवाई तकरीबन दो हफ्ते चलानी है उस दवाई की और उस तो बाद जी जी नाली पई सी हम भैन भी शेयर किया जी नाली पई है वो नाली जी मुस्तकिल ही रहनी है ठीक है जी। जिस टाइम जो अगर खुदाना खास तो बंद नाली हो फिर वो चेंज करनी पैनी है वरना वह नाली जी मुस्तकिल ही रहनी जी दिमाग से पा के या ना और अल्लाह ना करे डॉक्टर साहब ने दसिया कि अल्लाह ना करे इस टाइम बंद हो जाए तो फिर वो चेंज करनी पैनी है वरना नाली जी मुस्तकिल ही रहेगी जी दिमाग से पाई है। बाकी माशाल्लाह तो खान पीन का जी सारा उन्होंने दसिया कि जो मर्जी खावे पीए कोई टेंशन नहीं हैगी अपनी वर्जिश करे और बच्चा इस टाइम माशाल्लाह बिल्कुल सेहत तंदुरुस्त है टांके भी उन्होंने दबा के देखे है टांके बिल्कुल ठीक है जी जख्म जरा भर चुके हैं ऑपरेशन हो और बाकी हम जा रहे हुए जी घर और उस तो बाद डॉक्टर साहब ने दसिया दोबारा चैकअप का जो बच्चे टेस्ट कराने वास्ते दिए हुए शौकत खान में और आगा खान लबार्टरी के वो सू टेस्ट मिलने हैं तकरीबन अजय उन्होंने टाइम हैगा जी। डॉक्टर साहब ने दसिया कि जिस दिन तुम टेस्ट मिल जाए तो उन्होंने सू चैक करवा लिया जो बच्चों लिया की जरूरत नहीं हैगी और उस तो बाद उन्होंने दसना डॉक्टर साहब पूछा डॉक्टर साहब अगर फिर कभी तकलीफ हो गई उन्होंने कि जो तकलीफ हो फिर तुम थोड़ी बहुत हो टेंशन नहीं हैगी ज़्यादा तकलीफ हो फिर चैक करवाया जी सू और उस तो बाद तीन महीने बाद दसिया कि तीन महीने बाद एक दफा तुम सीटी स्कैन करवा के चैक करवाना जी उसी का ठीक हो गया जी। बाकी सारी माशाल्लाह तसली करके आए डॉक्टर साहब को सारे गल्लां पूछियां उन्होंने दसिया कि जो ऑपरेशन बच्चे का होया जी और सौलियां सीगियां सौलियां सी कढ़ दित्तियां तकरीबन 100 चो दो बच्चों में मर्ज जी ना पाई जाती है जी एक या दो बच्चों के मर्ज पाई जाती है रसौली वाली लेकिन असी और सौली कढ़ दी है और इस टाइम अलहमदुल्ला बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है सेहतमंद है जी। बाकी जा रहे हुए जी घर घर जाके तो जो भी सूरत हाल होएगी इंशाल्लाह फिर उतनी भैन भी शेयर करेंगे लेकिन इस टाइम माशाल्लाह बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है जी कोई इन्हें टेंशन नहीं हैगी और आपकी बुशरा अहमद और उन्होंने फ्रेंड आसिया आपकी और नाल जी आपकी बुशरा अहमद की बेटी उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू जी उन्होंने साढ़े इस बच्चे वास्ते इन्ना कुछ किया और अज अलहमदुल्ला बच्चा बिल्कुल सेहतमंद काम कर रहा है। मैं अपनी इस फैमिली का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ और साहिब भाई का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ जी और रजिया रफीक वेलफेयर वाले का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ कि जिन्होंने इस बच्चे वास्ते सपोर्ट की और अलहमदुल्ला साडा जिहड़ा बच्चा सेहतमंद तंदुरुस्त और अज मैं अपने एक होर मकसद में कामयाब होया जिदा कि पिछले दिनों मस्जिद की कंप्लीट वीडियो आई सी साढ़े को वो असं अपने भैन भी ने शेयर की है मस्जिद साड़ी अलहमदुल्ला बहुत जल्दी कंप्लीट हुई है हिस्टरी के आए कि मस्जिद बहुत जल्दी थोड़े दिनों में जी असी कंप्लीट की है और ये बच्चे का बेटा नाजिक ऑपरेशन कि चाचू ने बार बार इनका दिल डरता कहते भी अगर असं ऑपरेशन करवाने तो पता नहीं की बनना असं क्या चांस लें बाकी जिंदगी मौत जी अल्लाह पाक के हाथ वास है लेकिन अल्लाह पाक ने इस बच्चे दोबारा जिंदगी दी है जी और जिन्हें थ्रू मिली है उन्होंने सारे का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू ठीक हो गया चाचू जी और अज सा इस बच्चे की जी अगर कोई वीडियो बनावे तो उसमें भैन भी शेयर करा लेकिन ये इलाज की जी अच्छी आखिरी वीडियो सी उम्मीद करा साढ़े भैन भी साड़ी अज की वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करे जी और पीने की चाय चाय सा आ चुकी है चाय पीने चाय पी के फिर अला प्यार करे निकल दे ठीक है साहिद भाई चाचू जी उम्र हज तो जा रहे साहिद भाई वो भी कह रहे थे साढ़े वास्ते दुआ करवाया जी और आप ही हमने
ਭਾਈ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਅਹਿਮਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਔਰ ਨਾਲ ਰਜ਼ੀਆ ਰਫੀਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਬਸ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾਹ